हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखिए, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 3 है, द पोएटिक डिवाइसेस। तो द पोएटिक डिवाइसेस का आज हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर, टोन, थीम, रिदम, राइम स्कीम, काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल तक पढ़ा लिया है, और वो वीडियो आपका द पोएटिक डिवाइसेस यूनिट 3 का पार्ट 1 है, और आज का वीडियो है पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है, मैं वो पूरा अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आपको पूरा बता चुकी हूँ कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ना है और एक एक यूनिट में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके या चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जानिए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, रुतप्रेक्षालंकार, जितने भी अलंकार आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में वही फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है। तो देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर और द लिसनर। तो अ फिगर ऑफ स्पीच यानी जो अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती है, इज यूज्ड इन अ लैंग्वेज, जो यूज की जाती है इन अ लैंग्वेज यानी भाषा में, इंग्लिश भाषा में जो लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है, टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, प्रोड्यूस यानी उत्पाद करने के लिए, या उत्पाद करने के लिए एक ग्रेटर इफेक्ट, यानी पढ़ने वाले रीडर और लिसनर, यानी पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव, ग्रेटर इफेक्ट डालने के लिए, पढ़ाने के लिए अपनी भाषा में, लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। व्हेन वी यूज इट, जब हम इसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जब हम फिगर ऑफ स्पीच का, अलंकार का यूज करते हैं, द ऑर्डिनरी आइडियाज बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज अपनी लैंग्वेज में करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं, अपनी शब्दों में करते हैं, तो जो ऑर्डिनरी आइडियाज होते हैं यानी जो साधारण विचार होते हैं, बिकम यानी बन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो साधारण हमारे विचार थे, ऑर्डिनरी आइडियाज थे, जब हम उनमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर देते हैं, तो वही आइडियाज, वही बातें हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है, यूनिक बन जाती है, निराली हो जाती है। एज अ रिजल्ट द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज इंक्रीज मैनिफोल्ड, एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज यानी जो हमारे भाषा की ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, मैनिफोल्ड यानी कई बार, बहुत टाइम, जब हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर देते हैं, तो हमारे लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, इन शॉर्ट यानी शॉर्ट में समझिए, छोटे में समझिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट्स। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है, जब हम उसको यूज करते हैं, तो जो हमारे ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं, साधारण वर्ड्स होते हैं, उसकी जो ब्यूटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और सुनने और पढ़ने वाले दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यही होता है फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारे लैंग्वेज को, हमारी भाषा को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। द कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच आर, तो देखिए स्टूडेंट, फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, उसके कई टाइप्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो सबसे ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, उन सबके बारे में पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, यानी पहला अलंकार है आपका सिमली, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपमा अलंकार, तो वही इंग्लिश में होता है सिमली यानी फिगर ऑफ स्पीच। तो पहला टाइप है सिमली। देखिए, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन बाय यूजिंग एज और लाइक,
अ कंपैरिजन बिटवीन, तुलना की जाती है टू थिंग्स और पर्सन, यानी किसी भी दो चीजों को तुलना किया जाता है और पर्सन दो व्यक्तियों को जैसे तुलना की जाती है। जैसे स्टूडेंट हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि दो चीजें हमारे पास है तो हम दोनों के बीच कंपेयर करते हैं कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, मतलब इसके हिसाब से ये वाला ज्यादा अच्छा है। और कभी कभी हम दो पर्सन में भी कंपेयर करते हैं कि नहीं वो वाला बंदी ज्यादा अच्छी है, वो वाला बंदा ज्यादा अच्छा है। तो वही होता है कि जब हम किसी भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं और उस कंपेयर करने के टाइम हम उसमें यूज करते हैं एज और लाइक का, जिसमें हम एज वर्ड और लाइक वर्ड्स का यूज करके दो चीजों के बीच, दो चीजों या दो पर्सन के बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो होता है सिमिली। एग्जांपल देखिए, पहला है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जो जिंदगी है, जो जीवन है, इज लाइक अ ड्रीम, यानी सपने की तरह है, ख्वाब की तरह है, जो जीवन है वो ख्वाब की तरह है। लाइफ इज लाइक, तो यहाँ पे लाइक का यूज किया जा रहा है लाइफ और ड्रीम दोनों को कंपेयर करने के लिए, लाइक का यूज किया जा रहा है कि जो जीवन है वो ड्रीम की तरह है, सपने की तरह है। दूसरा देखिए, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, तो पहले एग्जाम्पल में लाइक को यूज किया गया आपको समझाने के लिए, और दूसरा देखिए सी इज एज ब्यूटीफुल, यानी वह बहुत खूबसूरत है, एक लड़की को बताया जा रहा है कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एज अ रोज, बिल्कुल रोज की तरह, गुलाब की तरह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लड़की की खूबसूरती की तुलना की गई है एक रोज के साथ, गुलाब के साथ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एज टू टाइम्स यूज हो रहा है, यानी एक एज यहाँ पे और एक एज यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एज यूज किया गया है तुलना करने के लिए, तो यहाँ पे जो एज है ना उसको यूज किया गया है, क्योंकि सी इज एज ब्यूटीफुल, यानी वह खूबसूरत है, एज अ रोज, गुलाब की तरह। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, इसको हिंदी में कहते हैं रूपक, जो आप हिंदी में रूपक अलंकार पढ़ते हैं वही होता है इंग्लिश में मेटाफर। तो देखिए, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन विदाउट यूजिंग एज और लाइक, यानी कि किसी भी दो चीजों में और पर्सन, किसी भी दो व्यक्ति में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, विदाउट यूजिंग, बिना यूज किए, एज और लाइक, यानी इस यहाँ पे जब हम दो चीजों को या दो व्यक्ति के बीच में तुलना करते हैं कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला उतना अच्छा नहीं है, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे हम एज और लाइक का यूज नहीं करते। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सिमिली में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एज और लाइक का यूज किया जाता है, और मेटाफर सेम वैसा ही होता है, बस इसमें कंपैरिजन करने के लिए एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है बिना एज और लाइक का यूज किए। एग्जांपल के थ्रू समझिए, ही इज द स्टार ऑफ अवर फैमिली, ही इज द स्टार, वह स्टार है, वह तारा है, ऑफ अवर फैमिली, हमारे परिवार का, यानी यहाँ पे एक परिवार के एक लड़के को अपने परिवार का तारा बताया जा रहा है कि वो लड़का हमारे परिवार का तारा है। तो यहाँ पे जो ही है, यानी जो लड़का है, उसकी तुलना की जा रही है स्टार के साथ कि वो स्टार है हमारे परिवार का। तो यहाँ पे इस तरह से यूज नहीं किया गया है कि ही इज लाइक अ स्टार ऑफ अवर फैमिली, यहाँ मतलब यहाँ पे लाइक का यूज नहीं किया गया है कि वो लाइक स्टार, यानी तारे की तरह हम है हमारे परिवार के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया ही इज द स्टार ऑफ अवर फैमिली, यानी एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया उस लड़के का स्टार के साथ। दूसरा देखिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, यानी जो जीवन है वो गुलाब का बिस्तर नहीं है। तो यहाँ पे जीवन को रोज के साथ कंपेयर किया गया, यानी लाइफ को, कि जो लाइफ है वो लाइफ जो है वो गुलाब का बिस्तर नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए एज और लाइक का यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया गया। तो यही होता है मेटाफर। तीसरा है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। तो देखिए क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड माइंड्स। तो स्टूडेंट इसको सिंपल में समझिए कि किसी भी निर्जीव चीजों का, निर्जीव चीजें वो होती हैं जो लाइफलेस होते हैं, जो
जीती नहीं है, निर्जीव होती है, जिनकी जीवन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये पेन देख लीजिए, ये पेन है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से छोड़ दूं तो ये हिल नहीं सकता। जब मैं इसको अपने हाथों में लेके हिलाऊंगी तभी ये हिलेगा, क्योंकि ये निर्जीव है। इसको जैसे छोड़ देंगे वो वैसे ही पड़ा रहेगा, जब हिलाएंगे तो ये हिलेगा, क्योंकि ये लाइफलेस है। मगर हम जो हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो लाइफलेस नहीं है, वो लिविंग है, वो रहते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं। तो यहाँ पे ना निर्जीव चीजों को सजीव चीजों के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को कहा जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस होता है इज अ बेस्ट टीचर, एक बहुत ही बेस्ट टीचर होता है। तो देखिए एक्सपीरियंस क्या है, लाइफलेस है, ये निर्जीव है। बेस्ट टीचर जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा टीचर है। तो यहाँ पे एक लाइफलेस चीज को एक लिविंग चीज के साथ कंपेयर कर दिया गया। दूसरा देखिए, लव इज ब्लाइंड, लव अंधा है, प्यार अंधा है। ब्लाइंड मतलब अंधा, लव प्यार। तो क्या कहा जा रहा है कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा है। तो क्या प्यार अंधा होता है? नहीं, इंसान अंधा होता है। मगर यहाँ पे लव को ब्लाइंड के साथ कंपैरिजन कर दिया गया कि प्यार अंधा होता है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि निर्जीव चीजों को मतलब लिविंग चीजों के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। जो चौथा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया, तो ये होता है ध्वनि सूचक। तो देखिए, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स सेंस और मीनिंग। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। तो देखिए जो ओनोमेटोपिया होता है स्टूडेंट्स, उसमें ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो साउंड का ही होता है, यानी आवाज का ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इस तरह के अलंकार में, यानी इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच में, हम आवाज सुनकर ही अर्थ का पता लगा लेते हैं, मीनिंग का पता लगा लेते हैं। जैसे देखिए, अगर कुत्ता भौंक रहा है तो हम कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर ये जान जाते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है। हम ये नहीं कहते कि गाय या भैंस मतलब बोल रही है या बिल्ली बोल रही है, हम सिर्फ कुत्ते की आवाज से यही जान जाते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आवाज से, कुत्ते के साउंड से हमें पता चल गया आंसर का, क्या कि कुत्ता भौंक रहा है। अगर मान लीजिए नल कभी कभी खुला रह जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी टप टप इस तरह से गिरता है, तो हम उसकी आवाज से जान जाते हैं कि नल खुला है तो पानी गिर रहा है। हम ये नहीं कहते कि दूसरी चीज की आवाज है, हमें फौरन पता चल जाता है आवाज सुनते ही कि पानी गिर रहा है। तो इसीलिए ओनोमेटोपिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो साउंड का ही होता है, आवाज का ही होता है। हम सिर्फ आवाज सुन के पता लगा लेते हैं कि किस चीज की आवाज है। तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है द कैट्स म्याऊ, यानी जब बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ, तो हम उसे पता लगा लेते हैं बस आवाज सुन के कि बिल्ली ही बोल रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, यानी जब हम पानी के गिरने की आवाज सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पानी ही गिर रहा है, तो बस उसी की आवाज से हमें पता चल जाता है। तो पता चल गया ना स्टूडेंट्स कि सिर्फ इसमें साउंड का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। पांचवा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। तो इसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जो इंग्लिश में होता है हाइपरबोले। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो देखिए एक अपनी भाषा में समझिए स्टूडेंट्स, हाइपरबोले का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, या फिर जितनी बात नहीं रहती है उससे बहुत ज्यादा घटा कर कहना। मान लीजिए अगर कोई भी एक बात है तो उसमें मिर्ची मसाला लगा लगा के कुछ लोग उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हाइपरबोले। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी बात को जितनी बात नहीं होती है बहुत शॉर्ट में उस बात को पूरा बता देते हैं। तो जिस चीज में, जिस अलंकार में कोई बात सबसे ज्यादा बढ़ाकर या घटाकर कही जाती है, ग्रेटर और लेस, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। कुछ लोग बढ़ाकर बताते हैं, कुछ लोग घटाकर बताते हैं, तो ऐसा अलंकार, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोले होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए स्टूडेंट्स, She wept oceans of tears,
यानी कि वो इतना रोई कि उसके जो आंसू थे वो ओशियन की तरह हो गए थे, यानी समुद्र की तरह बह रहे थे। तो क्या कोई इतना रोता है कि उसके आंसुओं से समुद्र बहने लगे? नहीं। देखिए यहाँ पे कितनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि जब वो रोई तो उसके आंसुओं से समुद्र बहने लगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल है रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि जब युद्ध हुआ तो रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड यानी कि खून की नदियां बहने लगी। युद्ध जब हुआ तो युद्ध होगा तो खून की नदियां बहेंगी, ये भी इम्पॉसिबल है, खून की नदियां तो अब नहीं बहेंगी। तो यहाँ पर भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया। तो जिस भी बात में, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर कही जाए तो वहां पर हमेशा हाइपरबोले ही होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका छठा फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है एंटीथेसिस। देखिए, समझिए इसको, इट इज लाइक ऑक्सीमोरन, यानी ये ऑक्सीमोरन की तरह होता है। तो ऑक्सीमोरन भी एक फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है स्टूडेंट्स, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एंटीथेसिस है ना, ऑक्सीमोरन के जैसा ही होता है। बट इट इज अ डिवाइस that uses two contrasting or opposite ideas in a sentence to create a contrasting effect. तो student देखिए, ये एक ऐसा device है जिसमें use किया जाता है contrasting और opposite, यानी इन दोनों की meaning student same होती है। contrasting और opposite का मतलब होता है विषम या उल्टा। तो जब भी कोई एक sentence बनता है, create होता है, तो उसमें कॉन्स्ट्रेक्टिंग इफेक्ट देता है, यानी विषम प्रभाव देता है, उल्टा प्रभाव देता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, फिर समझेंगे आप। पहला एग्जाम्पल है यूनाइटेड वी स्टैंड। तो जब हम इकट्ठे खड़े होते हैं, तो ये एक सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि जब हम इकट्ठे खड़े होते हैं तो हमारे बीच यूनिटी होती है, एकता होती है। डिवाइडेड वी फॉल, और जब हम एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो देखिए, ये एक सेंटेंस है मगर इसमें अपोजिट इफेक्ट भी दे रहा है, यानी कि जब वो लोग इकट्ठा होके खड़े होते हैं तो यूनिटी होती है, मगर जैसे ही वो लोग अलग होते हैं तो उन्हें लगता है वो लोग गिर जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। गिव मी लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्टूडेंट आज़ादी, या तो तुम मुझे आज़ादी दे दो या फिर तुम मुझे मौत दे दो। तो देखिए इसमें भी दो बातें निकल रही हैं, उल्टा मतलब भी निकल रहा है, चाहे तो तुम मुझे आज़ादी दे दो या फिर मुझे डेथ दे दो, मौत दे दो। तो वही होता है एंटीथेसिस। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके फिगर ऑफ स्पीच का जो सातवां टाइप है वो है एलिटरेशन। तो इसको समझिए, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन क्विक सक्सेशन। तो देखिए, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? देखिए, हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उसमें 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो 5 वॉवेल्स जब हम निकाल देते हैं तो उसके बाद जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड्स, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक सेंटेंस हो गया, मान लीजिए एक सेंटेंस है जिसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सब कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। हाउ हैप्पी ही इज हेयर, कि वो कितना हैप्पी है, कितना खुश है यहाँ पे। तो देखिए, हाउ हैप्पी ही इज हेयर, एच 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 एच। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सब एच से स्टार्ट हो रहे हैं, और एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, बिगिनिंग यानी स्टार्ट होते हैं, ऑफ ईच, ईच मतलब प्रत्येक, वर्ड्स यानी जितने भी शब्द आते हैं एक सेंटेंस में वो सब कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी सेल्स सी हेल्स बाय द सी शोर। तो स्टूडेंट इसको समझिए कि जब भी आपका कोई सेंटेंस में कॉन्सोनेंट से हर एक वर्ड शुरू हो, जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसका हर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो रहा है, तो वहां पे आपका एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया होता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए, आपके फिगर ऑफ स्पीच का जो आठवां टाइप है एसोनेंस, तो ये ना एलिटरेशन का उल्टा होता है, जो अभी हमने एलिटरेशन पढ़ा उसका अपोजिट होता है। देखिए समझिए इसको, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच
in which the same vowel sounds repeat within a group of words. तो ये एक ऐसा figure of speech है जिसमें same vowel sounds repeat within a group of words. यानी कि एक सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो शब्दों का समूह होता है ग्रुप होता है उसमें वॉवेल साउंड रिपीट होता है जितना भी उसमें वर्ड्स होता है. देखिए समझिए एग्जांपल के थ्रू समझिए. मेन सेल द वेडिंग बेल्स. तो मेन मेन में भी ई आ रहा है. इसका साउंड क्या हो रहा है? ई आ रहा है, वॉवेल आ रहा है. सेल इसमें भी ई आ रहा है. द वेडिंग इसमें भी ई आ रहा है. बेल्स मैन सेल द वेडिंग बेल सब में ई ई ई ई आ रहा है. तो यहाँ पे वर्ड्स से स्टार्ट तो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता वर्ड्स, मगर इसके जो साउंड्स होते हैं वो वॉवेल्स के ही होते हैं. और जो हमने एलिट्रेशन पढ़ा था वहां पे हर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. और एसोनेंस में हर एक वर्ड में आपके वॉवेल रिपीट होते हैं. तो स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल देखिए. इट्स हॉट एंड इट्स मोनोटोनोस. तो इसमें देखिए हॉट ओ मोनोटोनोस ओ ओ ओ ओ. तो यहाँ पे जो आपका साउंड निकल रहा है वो ओ निकल रहा है. और पहले वाले एग्जाम्पल में आपका ई ई ई है, यहाँ पे ओ ओ ओ है. तो इसमें वॉवेल्स रिपीट होते हैं हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ. तो वह स्टूडेंट्स आपके फिगर ऑफ स्पीच का जो नवा टाइप है वो है एनाफोरा. तो इट इज अ डिवाइस इन विच अ वर्ड और एक्सप्रेशन इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर ऑफ सेंटेंस क्लॉजेज और फ्रेजेज. तो स्टूडेंट ये आपके पोएटिक डिवाइस का ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो वर्ड्स होते हैं ना एक स्टेंजा के जो वर्ड्स होते हैं वो स्टार्ट में बिगिनिंग में सेम होते हैं. देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ पाएंगे. ये एग्जाम्पल है, देखिए एक फोर लाइन का स्टेंजा मान लीजिए. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिसनेस. तो ये जो एनाफोरा है इसी का एग्जाम्पल है जिसमें देखिए हर एक लाइन यानी चार लाइन है तो सेम सेम वर्ड से स्टार्ट होता है. जब भी आप कोई भी पोएम अगर पढ़ें स्टूडेंट तो जिस भी पोएम में अगर एक स्टेंजा में हर लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो आप समझ जाइए कि वहां पर एनाफोरा यूज किया गया है. तो स्टूडेंट्स आपके फिगर ऑफ स्पीच का जो दसवां टाइप है वो है रेफरेन. तो देखिए इट इज अ वर्ड्स अ लाइन अ सेट और ए ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ स्टेंजाज और अपीयर्स वेयर अ पोएम डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शंस. तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल देखिए, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे एग्जाम्पल के साथ. तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए. इट इज मैजिकल यर्स दिस लाइफ डेट आई लीव इच डे इट गिव्स समथिंग समथिंग इट्स गिव्स इच डे इट इज मैजिकल ऑब्सोल्युटली मैजिकल द लाइफ दैट आई लिव. तो देखिए स्टूडेंट ये एक स्टेंजा है जिसमें यहाँ से एक लाइन दो लाइन तीन लाइन का एक स्टेंजा है. तो जब एक स्टेंजा तीन लाइन का अगर है तो आपने इसको पढ़ लिया जब समझ लिया तो उसके बाद जो इसके पहले लाइन का वर्ड होता है जो बात एक स्टेंजा में की गई होती है उसके बाद तीन लाइन का स्टेंजा पढ़ने के बाद चौथी लाइन का जो दूसरा स्टेंजा स्टार्ट हो जाता है उसका जो पहला वर्ड होता है ना स्टूडेंट सेम होता है तो वही होता है रेफरेन. तो देखिए स्टूडेंट मान लीजिए तीन नहीं, अगर आप देखिए आप एक पोएम पढ़ रहे हैं, समझिए आप एक पोएम पढ़ रहे हैं तो आपने एक पोएम का चार लाइन का ऊपर का स्टेंजा पढ़ लिया. उसके बाद अब आप दूसरा लाइन का अब दूसरा स्टेंजा स्टार्ट करने जा रहे हैं तो दूसरा स्टेंजा भी क्या है चार लाइन का है. तो ऊपर वाला जो आपने स्टेंजा पढ़ लिया था चार लाइन का तो उसमें जो स्टेंजा से जो बात शुरू हुई थी तो फिर वही बात दूसरे वाले स्टेंजा से भी स्टार्ट की जाती है. देखिए इट इज मैजिकल, तो देखिए इट इज अ मैजिकल यर्स दिस लाइफ दैट आई लीव इच डे इट गिव समथिंग इट गिव्स इच डे. तो तीन लाइन का स्टेंजा हो गया तो यहाँ पे तीन लाइन के स्टेंजा में बात हो गई. अब जब दूसरा स्टेंजा स्टार्ट हो रहा है तो फिर वही बात कही जा रही है इट इज मैजिकल जो आपने पहले वाले स्टेंजा में पढ़ी थी इट इज मैजिकल. तो वही होता है रेफरेन जिसमें एक स्टेंजा में जो बात कही जाती है दूसरा वाला स्टेंजा भी उसी बात के साथ शुरू किया जाता है या खत्म किया जाता है. फ्रेंड्स अब आपका फिगर ऑफ स्पीच का एक ग्यारहवां टाइप है एंजैम्पमेंट. तो देखिए ये क्या होता है.
इट इज अ टर्म यूज इन पोएट्री टू रिफर टू लाइन्स दैट एंड्स विदाउट पंक्चुएशन एंड विदाउट कम्प्लीटिंग अ सेंटेंस और क्लॉज। तो स्टूडेंट जो एंजेमेंट होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जो जिसमें कोई भी लाइन जब खत्म होती है, यानी कि देखिए आपने चार लाइन का एक स्टैंजा पढ़ा, तो स्टूडेंट जब आप स्टैंजा पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब आप पोएम पढ़ते हैं तो एक लाइन, मान लीजिए चार लाइन का स्टैंजा है तो आपने एक लाइन पढ़ी तो उसके बाद आप देखते होंगे कि उसमें कॉमा या दो कॉमा इस तरह से लगा होता है, उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है उसमें भी कॉमा लगा होता है या फुल स्टॉप लगा होता है, फिर तीसरी लाइन स्टार्ट होती है उसमें भी कॉमा लगा होता है, चौथी लाइन जब स्टार्ट होती है वहां पे फुल स्टॉप लगा होता है और उसके बाद आपका पूरा स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है। आप उसको पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ इस पोएम में क्या बात कही जा रही है। लेकिन जो एंजॉयमेंट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मानिए स्टूडेंट अगर आपने कोई स्टैंजा पढ़ा, कोई पोएम पढ़ी, तो उस पोएम में ना कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा, और देखिए एंड विदाउट कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, और जो उस पोएम का सेंटेंस होगा वो भी कंप्लीट नहीं होगा, और क्लॉज यानी कि जो सेंटेंस है वो ही कंप्लीट नहीं होगा, या तो उसमें कॉमा नहीं होगा या फुल स्टॉप नहीं होगा, मतलब वो पूरी तरह से अधूरा होगा, कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है वी वर रनिंग टू फाइंड व्हाट हैपेंड बियॉन्ड टू हिल्स। तो देखिए वी वर रनिंग, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें ना फुल स्टॉप है ना कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये अपने आप में पूरा इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है। तो वही होता है एंजॉयमेंट। तो जब भी कोई स्टैंजा आप पढ़ते हैं वो इनकम्प्लीट लगता है, उसमें कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं होता है, सेंटेंस इनकम्प्लीट होते हैं, तो आप समझ जाया करिए कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का एंजॉयमेंट यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब आपका फिगर ऑफ स्पीच का जो 12वां टाइप है वो है रिपीटेशन। तो इसको समझिए, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस अ फ्यू टाइम्स टू मेक एन आइडिया क्लियरर एंड मेमोरेबल। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, बहुत ध्यान में होकर पढ़िएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट में। तो इट इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, ये ऐसी युक्ति है दैट रिपीट द सेम वर्ड्स, जो रिपीट करती है सेम वर्ड्स यानी एक जैसे शब्दों को और फ्रेजेस को, यानी एक जैसे शब्दों को वो बार बार रिपीट करती है एक ही लाइन में अ फ्यू टाइम्स यानी कई बार, टू मेक एन आइडिया क्लियरर एंड मेमोरेबल यानी बनाने के लिए, एन आइडिया यानी किसी भी विचार को क्लियर करने के लिए, और मेमोरेबल यानी एकदम अच्छे से याद करा देने के लिए, उसी बात को बार बार पोएट दोहराता है अपनी पोएम में। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। तो देखिए इस लाइन में एक ही बात को तीन बार कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह की पोएम आप लोगों ने पढ़ी होगी और देखा होगा कि जो पोएट होते हैं वो एक ही बात को अपने एक एक लाइन में तीन तीन बार, दो दो बार दोहराते रहते हैं। तो वो किस लिए दोहराते हैं, ताकि जो एक वर्ड है उस पोएम का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको मेमोरेबल हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। दूसरा देखिए, अ हॉर्स इज अ हॉर्स ऑफ कोर्स एंड नो वन कैन टॉक टू अ हॉर्स ऑफ कोर्स। तो देखिए अ हॉर्स इज अ हॉर्स बार बार आ रहा है, ऑफ कोर्स बार बार आ रहा है। तो इस तरह के जब रिपीटेड, देखिए जब आप कोई भी इस पोएम पढ़ रहे हैं उसमें एक वर्ड को कई बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। देखिए फिगर ऑफ स्पीच का 13वां टाइप है एलूजन। तो ये समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलूजन इज अ ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल रेफरेंस। तो एलूजन क्या होता है, जिसमें किसी भी पर्सन को यानी व्यक्ति को, किसी प्लेस यानी जगह को, थिंग को यानी किसी भी वस्तु या चीज को, और किसी भी आइडिया यानी विचार को इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है, तो वो होता है एलूजन। देखिए एग्जांपल, देखिए फिर समझिए, अच्छे से समझ आएगा। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको खुद दे रही हूँ। मान लीजिए आपकी एक कोई एक फ्रेंड है, तो आज वो आई किसी भी पार्टी में या फिर आपके घर आई, तो आप उससे कह रही हैं, यार तुम तो आज एकदम कैटरीना कैफ लग रही हो।
तो देखिए, मतलब आज वो बहुत प्यारी आपको लग रही थी, तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि आप आज तो तुम कैटरीना कैफ की तरह लग रही हो। यानी आप ये भी कह सकती थी कि आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, मगर आपने उसको इनडायरेक्ट रिफरेंस दे दिया, आपने डायरेक्ट उसको कैटरीना कैफ का रिफरेंस दे दिया। तो वहीं पे वही होता है एलूजन, कि मतलब डायरेक्ट ये ना कह के कि आज प्यारी लग रही हो, कैटरीना कैफ का मिसाल दे दिया। देखिए एग्जांपल देखिए, डोंट एक्ट एज रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, यानी रोमियो की तरह एक्ट मत करो, इन फ्रंट सामने ऑफ हर, उसके सामने रोमियो की तरह एक्ट मत करो। तो देखिए रोमियो क्या था, लवर था किसका, जूलियट का। तो फ्रंट ऑफ हर, ये जो हर है यानी जो लड़की है, तो कोई कह रहा है कि उस लड़की के सामने रोमियो जैसा एक्ट मत करो, रोमियो जैसे बिहेवियर मत करो, यानी उसका कोई यानी इस हर का कोई लवर होगा तो उससे कोई कह रहा है। तो मतलब उससे कोई ये कुछ ये ना कह के उसको डायरेक्ट रोमियो बना दिया, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिफरेंस दे दिया। दूसरा देखिए, माय वाइफ इज हिटलर, कि मेरी जो वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, वो हिटलर है। तो ये बात इस तरह ना कह के इस तरह कही जा सकती थी कि मेरी वाइफ क्या है, खड़ूस है। तो खड़ूस ना कह के माई वाइफ इज हिटलर, मेरी वाइफ क्या है, हिटलर है। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट रिफरेंस दे दिया गया। तो इस तरह से जब सेंटेंस में या पोएम्स वगैरह में जब पोएट इनडायरेक्ट रिफरेंस देते हैं, तो वहां पे वो एलूजन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका फिगर ऑफ स्पीच का 14वां टाइप है ऑक्सीमोरोन। तो इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। देखिए इसको समझिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज, यानी दो अलग तरह के गुण को एक ही साथ दिखाया जाता है, एक ही चीज में दिखाया जाता है। यानी इस तरह के अलंकार में एक ही चीज को, एक ही वस्तु को, दो परस्पर गुणों को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल समझिए, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी कि वह रेगुलरली इरेगुलर होता है। तो इसमें एक ही चीज के साथ दो क्वालिटीज को दिखाया गया कि यानी वह रेगुलरली इरेगुलर होता है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, तो वह महसूस कर रहा था स्वीट पेन यानी मीठा दर्द। तो देखिए इसमें भी एक ही बात में दो अपोजिट गुणों को दिखाया जा रहा है कि एक तो वो दर्द यानी पेन तो वो महसूस कर ही रहा था, और किस तरह का स्वीट यानी मीठा दर्द वो महसूस कर रहा था। तो इस तरह का जो अलंकार होता है वो ऑक्सीमोरन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके यूनिट 3 का द पोएटिक डिवाइसेस का जो 8वां टाइप था फिगर ऑफ स्पीच, यानी ये भी हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स थे तो उन सबको पढ़ने में समझने में थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। इस वजह से जो आपका और टॉपिक्स बचे हैं, जैसे आयरोनी, इन्वर्जन, नेगेटिव कैपेबिलिटी और जस्टापोजिशन, 4 टॉपिक्स आपके बच गए हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो वीडियो होगा आपका द पोएटिक डिवाइसेस का पार्ट 3। तो इसलिए देखना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।